कहाँ से आए हैं आप? कल्याण, मुंबई। क्या परेशानी है आपको? रेटिना पिगमेंटेशन और मैकुलर डिजनरेशन। 8 साल से आपको मालूम पड़ा कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है? हाँ। उसमें आपको और कोई परेशानी आती थी क्या? नहीं, नाइट में दिखता नहीं था और दिन में भी धीरे धीरे चालू हो गया था। 6-7 महीने से लेफ्ट आई में सेंट्रल विजन का कम हो गया। तो सेंट्रल विजन भी कम हो गया है और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण आसपास की नजर भी कमजोर हो गई है। हाँ हाँ। फिर भी कोई गाड़ी वगैरह पास से निकलती है तो कुछ परेशानी महसूस करते थे क्या? हाँ, कभी कभी होता है वैसे। कभी ये फील्ड चार्टिंग आपकी है कि आम आदमी को पूरी बाउंड्री से दिखता है, पाइप के अंदर से अपन देख रहे हैं वैसा दिखाई देता है आपकी राइट आंख से। हाँ जी, आपने देखा आपके बेटे को कितना दिखाई पड़ रहा है? देखते हैं कोर्स के बाद कितना क्या फर्क पड़ता है। बॉम्बे में कहाँ कहाँ दिखाया? बॉम्बे में आपको डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है आपको। हाँ। मैकुलर डिजनरेशन है तो बॉम्बे के डॉक्टर ने बताया। तो कौन से हॉस्पिटल में गए थे? शिवम हॉस्पिटल में, डॉक्टर रामचंदानी ने। बरेली में कौन से डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर एम एस बासु। उससे कुछ फायदा पड़ा क्या आपको? तो इतना कुछ फायदा नहीं हुआ। इस पिगमेंटोसा का आपने इलाज पूछा था बॉम्बे वाले डॉक्टर साहब से? हाँ। क्या बोला उन्होंने? कहीं पर भी नहीं है इसका। और मैकुलर डिजनरेशन का? उसका भी नहीं है। उसका भी नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस है आपको? हाँ। उसका भी कोई इलाज नहीं है? नहीं है। बस विश्व में एक ही डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं इस चीज का। हाँ। जो इन तीनों बीमारियों से आपको निजात दिलाएंगे वो है डॉक्टर ऋषभ जैन, जिनका हाँ। आप वीडियो अभी देख के आए हैं। हाँ। तो आपको डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में मालूम कैसे पड़ा? यूट्यूब से आपने वीडियो देखा। हाँ। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का। हाँ। और आपने डॉक्टर ऋषभ जैन से कॉन्टेक्ट किया। हाँ। ठीक। हाँ। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका ट्रायल सफल हो, ईश्वर से हम कामना करेंगे। इट्स अ प्रॉब्लम दैट कांट बी क्योर्ड। आपकी राइट आंख का विजन चार्ट है। दे आप यहाँ आए थे, कितना दिखाई पड़ रहा था? सेंटर का थोड़ा सा क्लियर दिखता था, है ना? बाकी आपको कहीं कोई इशू वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और आज आपने ये जो दिखाया है, ये आपका जो डेवलपमेंट हुआ है फर्स्ट कोर्स के बाद, ये दर्शाता है कि आपके पर्दे में भी फायदा आना शुरू हुआ है। राइट हैंड साइड पे जगह पर आप काफ़ी एरिया में आप 100% विजन इम्प्रूव किए हैं। लोअर साइड पर भी आपको कुछ जगह पर विजन इम्प्रूव 100% हुआ है। रेस्ट एरिया में आपकी जो ओरिजिनल विजन थी, उस विजन थी, उसमें करीब करीब डबल का फायदा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि आपको राइट आंख में भी मैकुलर डिजनरेशन है। रिजुलेशन काफी इम्प्रूव किए हैं आप। अब आप दुनिया के लोगों से, देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजनरेशन पे, कलर ब्लाइंडनेस का भी ट्रीटमेंट है यदि वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ में है तब भी। हाँ। तो ये तीनों विश्व की असाध्य बीमारी है। तो देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको भी फायदा होगा। हाँ, उनको भी फायदा होगा। तो आप लोगों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? आपके घर में, आजू बाजू में, या कई पहचान वाले में, यार कई दोस्त को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजनरेशन और कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत होगी तो आप डॉक्टर ऋषभ जैन के पास कांटेक्ट करें। इन तीनों में से कोई भी बीमारी है जो कि विश्व की असाध्य बीमारी है, इसमें कोई भी बीमारी किसी भी व्यक्ति को है और वो हताश हो गया है अपनी जिंदगी से और अंधत्व की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो हताश ना हो और इलाज करा के वो ठीक हो सकता है। काय झाला होता तुझ्या पोराला? काय प्रॉब्लेम येत होती? जवळचं पण नाही, लांबचं पण नाही, रात्रीचं पण कमी दिसतं, दिवसा पण कमी दिसत होतं। ही पढाई सुटली कशाला? हा, दिसत नव्हतं म्हणून तर लास्ट इयरचे पेपर सोडले त्याने, दोन फायनल इयरचे पेपर सोडून दिले। कशाला? दिसत नव्हता। तिकडे कोणचं डॉक्टरला दिसवलं होतं? हे काय म्हणला? याच्यावर काही इलाज नाहीये, ते जसं आहे तसंच चालू द्या, याच्यात कुठेच इलाज होणार नाही। रोशनी कम होऊन जाईल, वडेल नाही, नाही हळूहळू जसं एज वाढत जाईल तशी तशी दिसायचं कमी पडेल। नंतर हळूहळू दिसेल, कमी कमी दिसत जाईल। त्याच्यानंतर? त्याच्यानंतर नाही विचारलं, संपेल नाही असं काही बोललं असं नाही मी। आताच प्रॉब्लेम झाली होती तर नंतर काय होईल हे तुमची परेशानी होती। काय झालं फर्स्ट कोर्स नंतर? आहे, बरीच इम्प्रूव्हमेंट झाली, दिसायला लागले, विजन वाढलंय, विजन वाढलं, आणखीन कलर पण ओळखतो। कोणकोणच्या बीमारी मध्ये फायदा होऊन राहिलं? पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस, मेकुलर डिजनरेशन, सगळी बीमारी मध्ये डॉक्टर ऋषभ जैन विजन इम्प्रूव करतात। काय सांगा सगळ्यांना? सगळ्यांना, पुऱ्या वर्ल्डला सांगते, ज्यांना कोणा कळेल, ज्यांना कोणत्या मुलांना असेल, मुलांना मुलींना हा आजार, त्यांनी उज्जैनला डॉक्टर ऋषभ जैन कडे येऊन इलाज करावा।
होणार. जी को क्या परेशानी थी? इनको दो तीन बीमारी थी आंखों की जो असाध्य कही असाध्य कही जाती थी. बराबर दिखता नहीं था, पास का दूर का, ये सामने देखते थे तो आसपास का दिखता नहीं था. पास से निकल जाए तो समझ में नहीं आता था कौन निकल गया. कोई चीज इनको बोलो कि ये चीज उठा के लाना तो ये पूछते कहाँ रखी है, आज लेकर ढूंढना पड़ती थी कि ये चीज यहाँ रखी है. एक पहला कोर्स इनका कंप्लीट हुआ है. इनको जो तीन बीमारियां थी उनका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मैक्युलर डिजनरेशन कलर ब्लाइंडनेस, इन तीनों बीमारियों में इनको ड्रामेटिक फर्क आया है. हाँ, जब मैं यहाँ पे इसको लेके आया था रोड के ऊपर हमने पाया 40% के रिजल्ट थे. और दूर की दृष्टि भी बड़ी है, दूर की दृष्टि बड़ी, पास की भी बड़ी है. कलर थोड़ा समझ में आने, इनकी जिंदगी में नजर के कारण समस्याएं आ रही थी, करीब करीब दूर होने लगी. अब जगह बॉम्बे जैसी सिटी में हताश होके आया था. हाँ, मैंने वो सोचा कि बॉम्बे से उज्जैन आ रहेंगे. फिर मैंने नेट के ऊपर ना चेक किया, कई लोगों को फोन करके पूछा कि भाई ये डॉक्टर ऋषभ जैन उज्जैन में है, ऐसी सी बात है, तो बोले कि हाँ है, ये इलाज करते हैं ऐसा. हम मध्य प्रदेश के लोग विश्व में एकमात्र दवाखाना है जो डॉक्टर ऋषभ जैन का, गोपाल मंदिर के सामने उज्जैन में, जो ये असाध्य बीमारी को साध्य किया इन्होंने, विश्व की असाध्य बीमारियों को साध्य कर रहे हैं. और यहाँ में कई लोगों से भी मिला, कलकत्ता के, मद्रास के, यूपी के, महाराष्ट्र के भी आए हुए हैं. उन लोगों से भी मैंने पूछा तो उन्होंने सब, कोई विदेश का पेशेंट भी आया आपके? एक कोरिया से भी आया था यहाँ पे, उससे ही पूछा था तो बोले हाँ फर्क पड़ा है मुझे. नेपाल से भी आए हुए हैं दो व्यक्ति, उनका बच्चा कोई प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की, उसको भी फर्क पड़ा है. आज विश्व को ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उज्जैन एक ऐसा हिस्सा है और हो रहा है, दुनिया की इन असाध्य बीमारियों का इलाज संभव है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं. तो आप देशवासियों से, विदेशी लोगों से, वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत देश और विदेशियों से और मैं अपने ही कहना चाहूँगा, किसी को भी अगर इस तरह की तकलीफें हो तो वो उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आए और अपना असाध्य बीमारी जो हुई आँखों की, इसे यहाँ पे साध्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं. यानी आँख होते हुए कोई आदमी सूरदास होते जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के डॉक्टरों ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, उस बीमारियों में भी कुछ हो सकता है. बस एक ही प्रयास करना है, एक ही रोशनी है. डॉक्टर ऋषभ जैन जो उज्जैन में है वो इस तरह के हर मरीज को मदद कर रहे हैं, अनेकानेक असाध्य बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और उनमें रोशनी बढ़ा रहे हैं, है ना, लोगों का जीवन सुगम कर रहे हैं. ठीक, नमस्कार. किस बीमारी में फायदा हुआ है जो वर्ल्ड में असाध्य कही जाती है? ठीक, राइट में आप करीब करीब नील के बराबर आपकी रोशनी थी और आज आप काफी प्रोग्रेस पे हैं और भविष्य में इसी तरह प्रोग्रेस करते जाएंगे. तो आप देश को, विश्व भर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैकुलर डिजनरेशन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में रोशनी बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सब्र चाहिए. बधाई हो आपको. थैंक यू. देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है. उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है. जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय.